अब आपके समय और पैसों की बचत के साथ आपके शहर सागर में भी ऑनलाइन टैक्सी कैब सुविधा। तो अभी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें एमपी कैब या लॉगिन करें www.mpcab.in पर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की आदत रही है कि यहाँ रसूख लम्बड़दार और रजवाड़ों के रसूखों ने गरीबों की निर्बलों की ज़मीनों पर इस वजह से कब्जा किया कि उन जगह पर मंदिर बनवा दिए, छोटे छोटे चबूतरे बनवा दिए और ज़मीनों को हड़प लिया। रजवाड़े तो अब रहे नहीं, लेकिन कुछ जगह अभी भी रसूखों का जोरदार जलजला रहता है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा की, जहां रेहली में मालकों का बड़ा जोर है। उन्हीं का इस क्षेत्र में मालगुजारी का असर रहा है। वो यहां के दबंग हैं, बड़ा परिवार है। उन्हीं में से एक हैं अवधेश हजारी साहब, जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने उसी स्टाइल में मंदिर का एक चबूतरा बनाकर एक जैन जो कमज़ोर है उसकी ज़मीन को हड़पने की साजिश की है। उसने शिकायत एसपी और कलेक्टर के दरबार में की है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया अगर भू माफियों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो इस ज़मीन को देखें और इन मालिक पर भी ज़रा नज़र दौड़ाएं, नहीं तो मालिक आजकल भू माफिया बन गए। खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की सरकार भूमाफियों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन कुछ रसूख चालाकी और बदमाशी करके जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली से जुड़ी है। इस बार रेहली के मालक पुराने मालगुजार और क्षेत्र के दबंग हजारी परिवार के अवधेश हजारी पर चालाकी से जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। यह बड़े कांग्रेसी नेता हैं और इस इलाके में इनका सिक्का चलता है। असल में रेहली के रहने वाले कमल कुमार जैन ने अवधेश मालिक के साथ अन्य लोगों पर जमीन हड़पने के आरोप लगाकर इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी के दरबार में की है। जमीन हमने खरीदी थी सन 2001 में जी, उसमें तो भूमाफिया अवधेश हजारी, रमेश उपाध्याय, पवन और सूर्य प्रताप चौधरी, मनोज पांडे बदेरा, अभी तब जाते निर्माण ताड़िए तर रहे मेरी जमीन पर। हमने सितायत थी SDM के यहाँ, 145 के तहत लड़वाई थी है जी। लेकिन उस पर ताम अभी भी चालू है जी। हम ताम रुतवाते पूरा अतिक्रमण हटवाना चाहते जी। हम तो करीब 10 साल से 15 साल से परेशान हो रहे हैं। हमें उम्मीद तो है इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। रैली के खाकी बाबा मंदिर से लगी हुई 380/5 में 1 एकड़ 31 डिसमिल जमीन कमल कुमार जैन की है, जिनकी चैन बाई कागजात 110 साल पुराने हैं। इस जमीन को अवधेश हजारी, रमेश उपाध्याय, अरविंद दुबे के साथ मनोज पांडे और सूर्य प्रकाश चौक से इस जमीन पर एक चबूतरा बनाकर, साथ ही साथ खाकी बाबा का नकली ट्रस्ट बनाकर इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। कमल कुमार जैन ने न्यायालय से इसकी डिग्री लेकर कुछ दिनों पहले अतिक्रमण भी हटवाया था, लेकिन इसके बाद भी रेहली के मालक हमारी जमीन पर बाउंड्री बनवाने का काम कर रहे हैं। राजस्व विभाग ने मेरी शिकायत पर यह काम रुकवा दिया है। इस जमीन के पीछे की कहानी कहती है कि कुछ साल पहले कमल कुमार जैन से मालिक अवधेश हजारी ने औने पौने दाम पर इस जमीन को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन कमल कुमार जैन ने जमीन बेचने से मना कर दिया। अब मालिक तो मालिक ठहरे, उन्हें यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने खाकी बाबा का फर्जी ट्रस्ट बनवाकर इस पर देवताओं का एक चबूतरा बनवा दिया। लगा कि रेहली के मालिक ईश्वर से बड़ा प्रेम करते हैं, तो फिर अपनी जमीन पर मंदिर और भगवान के चबूतरे क्यों नहीं बनवाते? यह सवाल अवधेश मालिक से है। रेहली की जनता जानती है यह जमीन किसकी है और यह कौन करवा रहा है। यह आरोप कमल कुमार जैन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सागर में प्रेस के सामने कहे हैं।
लेकिन अवधेश हजारी इस क्षेत्र के बड़े रसूख नेता हैं, इस वजह से उनके काम में कोई हाथ नहीं डालता। अवधेश हजारी के पास अगर कोई कागजात हैं तो वो सामने आए प्रेस के और सारी बात को उजागर करें, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि मालिक जी यह बेईमानी ठीक नहीं है। बुंदेलखंड की तारीखें बताती हैं कि कमजोरों की जमीन पर लंबरदारों और रसूखों ने भगवान के चबूतरे और छोटे छोटे मंदिर बनवाकर उनकी जमीनों को हड़पा है, यह नियति ठीक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान भूमाफियों पर अगर बाकायदा ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं तो जवाब दें इन मालिक साहिब को जो कमजोर निर्बल पर अपनी दबंगाई दिखाकर उसकी जमीन हड़प रहे हैं। मालिक वो है जो कमजोरों की मदद करते हैं, लेकिन यह कैसे मालिक जो निर्बल की ही जमीन छुड़ाने पर आमादा है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।